तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट MIUI 12 क्लॉक विजेट। और क्लॉक विजेट पर मैं पहले भी वीडियो मैंने बनाए हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पर आज की जो क्लॉक विजेट है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी कूल, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इस तरह की थीम को अगर आप अपने Xiaomi, Redmi, Poco मोबाइल में डाउनलोड करके अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। वीडियो लाइक टारगेट मैंने रखा है 50। आई होप कि आप इसे आसानी से करा देंगे। दोस्तों मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं डिजिटल अवतार चैनल। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों इसके लिए आपको दो फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, एक है थीम एडिटर APK और दूसरा है MTZ फाइल। ये दोनों ही फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और अगर आपने मेरा जो थीम से रिलेटेड एक टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अब आपको बस एक थीम एडिटर एप्लीकेशन की ज़रूरत है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी, उसे आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज में जाना है। ब्राउज में जब आप यहां पर जाएंगे तो आपको जो MTZ फाइल है उसे सर्च कर लेना है। आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में ये मिल जाएगी। अगर आपने दूसरी जगह शिफ्ट कर रखी होगी, जैसे कि मेरे केस में यहां पर मैंने दूसरे फोल्डर में शिफ्ट कर रखा है इसे, तो यहां आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको स्टार्ट पर टैप करना है, जो कुछ भी ऐड वगैरह आते हैं आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर एक फिनिश का ऑप्शन आता है, फिनिश कर देंगे। और उसके बाद अगर कोई ऐड आता है क्लोज करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने थीम ऐप में चले जाना है, यहाँ पे ओके करके। थीम ऐप पर जब आप जाएंगे तो आपको अपने माई पेज पर जाना है। माई पेज पर जा करके आपको अपने थीम सेक्शन में जाना है जहाँ पर डाउनलोड थीम्स रहती हैं। वहाँ पर आपको अप्लाई में करके ये थीम मिलेगी। इस थीम को आपको सिंपल सा अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अप्लाई हो रही है। अप्लाई होने के बाद यहाँ पर आप चेक करेंगे तो जो वॉलपेपर है आपका चेंज हो जाएगा, मार्स वाला वॉलपेपर। और क्लॉक विजेट यहाँ पर आपकी आ चुकी है। अगर आपको मेरा जो मैंने अप्लाई कर रखा था वॉलपेपर वो चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है वॉलपेपर जो मैंने अप्लाई कर रखा है। आपकी जो मर्जी हो उस तरह का वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वॉलपेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको सिंपल सा डाउनलोड करके इसे अप्लाई कर लेना है। तो ये कुछ लुक मिलेगा आपको इस थीम को अप्लाई करने के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इस तरह की थीम को आप किस तरह से डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की क्लॉक स्टाइल किस तरह से ला सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ।